हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, यानी कि वर्तमान भावनाएं कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी लोगों के लिए है। कलेक्टिव वो टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितने रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको बहुत सारी क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी। तो देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? एस ऑफ सोर्स पहला कार्ड। सेवन ऑफ कप्स, सेवन सेवन दो बार आ गया भाई। सेवन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ यानी कि द मून का कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम में आया गाइस स्ट्रेंथ। तो गाइस यहां अगर जनरल रीडिंग के साइन की बात करें तो यहां सभी साइन है, अर्थ चारों एलिमेंट है, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन। सबसे कम जो है अर्थ साइन है। तो गाइस नंबर्स की बात करें तो नंबर वन इम्पोर्टेंट है, नंबर सिक्स इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर एट इम्पोर्टेंट है, नंबर इलेवन इम्पोर्टेंट है, ट्वेल्व इम्पोर्टेंट है और थर्टीन इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट में नंबर सेवन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर सिक्स इम्पोर्टेंट है, नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट में एट है और नंबर ट्वेल्व है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये दिन आपकी ज़िंदगी में, ये दिन और ये डेट मंथ इस दिन के आपकी लाइफ में काफ़ी मायने रखते हों, ये पर्सन आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम आपको मिले हों, या इन्होंने प्रपोज़ किया हो, या इन्होंने आपके साथ डेट पे गए हों। बर्थडे भी हो सकता है आप लोगों का, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप हमेशा याद करते हो। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। गाइस अगर करंट फीलिंग की बात करूं तो अगर रिश्तों के थोड़ा सा मैं आपके रिश्तों में चलूं, थोड़ा सा पास में चलूं, तो आप लोगों का जो रिश्ता है एक ऐसी दगार पर है कि ना आगे है ना पीछे है, यानी कि बीच में लटका हुआ रिश्ता है। ये सेवन ऑफ कप और सेवन के कार्ड है ना जो दो, ये यही बता रहे हैं कि रिश्तों में कमिटमेंट नहीं मिल रहा, ट्रस्ट इशू चल रहे हैं और तरह तरह के दिमाग में आपके दिमाग में ख्याल आते हैं इन चीज़ों को लेके, और थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दो दो थर्ड पार्टी, इनकी फैमिली में कोई मदर हो सकती है या बाहरी लोग या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, चाहे इनकी वाइफ हो या इनका क्रश हो, जो आपके रिश्ते में टांग घुसेड़ रहे हैं। तो गाइस ये पर्सन की अगर थिंकिंग कहूँ, इस पर्सन की फीलिंग कहूँ,
तो ये आपसे फर्स्ट कार्ड हमें मिला है एस ऑफ सोर्स का। ये अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर ये रिश्ते में कनेक्शन में है तो भी, अगर आपके साथ नहीं कनेक्शन है तब भी एक अच्छे से सफाई से रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं। और इस बंदे के दिमाग में लोग थर्ड पार्टी ने काफ़ी नेगेटिविटी भर रखी है, तभी ये कभी कभी भटकता है। और ये कुछ ये भी कहा जा सकता है कि ये मून का कार्ड बताता है कि वक्त अभी फेवर में नहीं है। लेकिन इस पर्सन की करंट फीलिंग की बात करें तो ये पर्सन जो है आप अपने अंदर, ये बॉटम का कार्ड जो स्ट्रेंथ का आया, ये अपने अंदर, अब अपने अंदर ये पर्सन बदलाव लेके आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिससे ये चाहते हैं कि इनके रिश्ते में आगे बढ़े। और उसके लिए इनको पता है हिम्मत की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होके ये अपने अंदर पावर एनर्जी भर रहे हैं कि आपसे बात करें। ये इंसान आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहता है और अपने आप को चेंज करता हुआ ये आगे बढ़ना चाहता है। जिन चीज़ों के लिए इस इंसान ने आपको तरसाया, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, ये वो सब चीज़ें समझदारी से आपकी तरफ झुकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अब एक ऐसे इंसान की तरफ झुका जाए जिनके जिनके आगे झुकना गलत होगा, चाहे वो इनके लिए थर्ड पार्टी हो। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार भरा। यहाँ हमें दो दो कार्ड मिले हैं प्यार भरे, पेज ऑफ कप्स। इंसान ये बोला है, मैनिपुलेट किया जाता है इसे, तभी रिश्ते में ट्रस्ट इशू आता है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी फैमिली में हो या आपके फ्रेंड हो, ये आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ये किसी ओकेजन का इंतज़ार करते हैं कि जब वो आपके साथ मिलें, बातें करें और इनकी बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन जो एट ऑफ ये वॉन्ट्स का कार्ड है, ये बताता है कि परेशानियां बहुत रही है और बहुत चल रही है, लेकिन जिन लोगों का सेपरेशन फेस है उनके लिए सब चीज़ें दोबारा से अच्छे से न्यू तरीके से शुरू होगी। जिन चीज़ों के इस इंसान ने बहाने मारे, आपको तरह तरह के एक्सक्यूज़ दिए, प्यार के बदले निराशा दी, अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ के आपको खुद खुशियाँ देना चाहेंगे। लेकिन गाइस, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि यहाँ जो मून का कार्ड आया है, इससे चीज़ें जो है रुकी हुई हैं, कि अभी भी आपका टाइम फेवर में नहीं है। लेकिन ये पर्सन की करंट फीलिंग की रीडिंग है, तो करंट फीलिंग में मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसकी इंसान की इंटेंशन पहले चाहे कितनी भी ख़राब हो, लेकिन इस टाइम इसकी इंटेंशन जो है सही है, क्योंकि ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ प्यार भरा। तो देखते हैं ये कब तक आपकी लाइफ में एंटर होंगे, कब तक यानी कि एक्शन लेंगे। जय माता दी। गई यहां तीन कार्ड निकाले मैंने, नाइन मंथ या टू वीक, इलेवन वीक में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। ये कि ये कार्ड है इमोशनल का, नाइन वीक ज़्यादा बनता है, नाइन मंथ ज़्यादा बनता है। तो देखते हैं आपके लिए इस पर्सन की, सॉरी आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है। गाइस, एडवाइस कार्ड निकला है आपका द वर्ल्ड का।
तो वो डिवाइन कह रहे हैं, टैरो कह रहे हैं कि ये एक साइकिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्त अभी आपके कुछ फेवर में नहीं है, ये एक साइकिल है जो जब ख़त्म होगा उसके बाद आपकी चीज़ें जो है शुरू हो जाएगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और ज़िंदगी बेटर होगी, री यूनियन भी होगा, रिकन्सिलेशन भी होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ी सी चैरिटी करनी होगी और अपने कर्मों को जहाँ तक हो बचा के रखना, कभी बुरे बात, बुरी कर्म, बुरी किसी के लिए सोचना नहीं है, ताकि धीरे धीरे आपके कर्म क्लीन हो और आगे जो है चीज़ें आपको और भी बढ़िया मिलें। तो ये कार्ड जो आया है द वर्ल्ड का, वो ये बताता है पॉजिटिव बनो, वक्त के साथ आपकी चीज़ें सही होंगी, सब कुछ सही होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा और अपने चैरिटी करके डिवाइन के साथ कनेक्ट होके मैनिफेस्ट अपने पर्सन को करना होगा। तो ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अगर ये आपको पसंद आई हो तो कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन तो आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।